श्रीदेवी के निधन से सदमे में देश। प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। श्रीदेवी के निधन की खबर सुनकर पूरा बॉलीवुड सदमे है। जैसे ही उनकी मौत की खबर मिली, सोशल मीडिया पर उनके फैंस को इस पर यकीन ही नहीं हो रहा। श्रीदेवी के पति बोनी कपूर के छोटे भाई संजय कपूर ने एबीपी न्यूज से इस खबर की पुष्टि की। जानी मानी अभिनेत्री श्रीदेवी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। श्रीदेवी 54 साल की थीं। उनकी मौत की खबर सुनकर बॉलीवुड सहित पूरा देश सदमे में है। अभिनेत्री श्रीदेवी दुबई में भांजे मोहित मारवाह की वेडिंग अटेंड करने गई थीं। दुबई में ही अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया और उन्हें बचाया नहीं जा सका। दुबई में श्रीदेवी के साथ उनके पति बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी थे, जबकि बड़ी बेटी जाह्नवी कपूर फिल्म की शूटिंग की वजह से मुंबई में है। श्रीदेवी के निधन की खबर सुनकर पूरा बॉलीवुड सदमे है। जैसे ही उनकी मौत की खबर मिली, सोशल मीडिया पर उनके फैंस को इस पर यकीन ही नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अभिनेत्री श्रीदेवी के निधन पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, जानी मानी अभिनेत्री श्रीदेवी का अचानक निधन। अपने लंबे करियर में उन्होंने कई यादगार रोल किए। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। कांग्रेस पार्टी ने भी अभिनेत्री श्रीदेवी के निधन पर दुख जताया है। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया, श्रीदेवी के निधन की खबर सुनकर हम बहुत दुखी हैं। एक बेहतरीन अभिनेत्री, अपने काम से हमेशा वो हमारे दिलों में रहेंगी। उनके प्रियजनों के लिए हमारी सबसे गहरी संवेदना है। उन्हें यूपीए सरकार के दौरान 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अभिनेता अनुपम खेर ने श्रीदेवी के निधन पर दुख जताया। उन्होंने लिखा, मैं एक बुरा सपना देख रहा हूँ, श्रीदेवी अब नहीं रही। ये बहुत बहुत दुखी करने वाला है। एक प्रतिभाशाली, शिष्ट और प्रतिभाशाली अभिनेत्री, भारतीय सिनेमा के क्वीन और एक दोस्त, उनके साथ कई फिल्मों में काम किया, बहुत सारी शानदार यादें। अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा, श्रीदेवी सर्वगुण संपन्न अभिनेत्री थीं। अमिताभ बच्चन ने सही कहा है कि अचानक उनके जाने से घबराहट हो रही है। उनका व्यक्तित्व शानदार था। यकीन नहीं हो रहा कि श्रीदेवी हमारे साथ नहीं रहीं। अभिनेता अनु कपूर ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा, मैं उनसे कुछ दिन पहले ही मिला था। उन्होंने कहा था कि अब मेरी उम्र बढ़ रही है। मिस्टर इंडिया में उनके साथ किया हमेशा याद रहेगा।